हेलो गाइस हाउ आर यू होप यू ऑल आर फाइन वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट संजीवनी दिस इज ऋतिक छाबड़ा हेयर एंड टुडे वी विल कवर चैप्टर एनिमल किंगडम ऑफ एन एंड वी विल आल्सो ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स ताकि आपको आसानी हो लास्ट टाइम पर रिवीजन करने में और आप फटाफट से एक बार सारा कंसेप्ट गो थ्रू कर सकें और इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको उसके लिए मैं एक अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा मैंने चार्ट की फॉर्म में आपके लिए बनाए हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे आपको वीडियो क्लास में दिखा भी दूंगा और बाकी आपको मैं बता भी दूंगा आप कहाँ से वो ले सकते हैं तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम बेसिक बेसिक बातें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी होंगी बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करके फायदा नहीं है मैं स्टार्टिंग में बेसिक में एक बार सब क्लियर कर देता हूँ आपका सो शुरू करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जैसा कि आप सब देख सकते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेली आर मल्टी सेलुलर और ये बात आप अच्छे से जानते भी होंगे चार लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन के सेल्युलर लेवल टिश्यू लेवल ऑर्गन लेवल एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल विच इज़ मोर कॉम्प्लेक्स सेलुलर लेवल की बात करें तो इसमें सेल्स अरेंज होते हैं एज लूज सेल एग्रीगेट्स जैसा कि हमें स्पॉन्जेज में देखने को मिलता है एक तो आप सबसे पहले ये पैटर्न ध्यान रखिएगा इन सब जो आपके फाइलम्स आपको पढ़ने हैं ये इनमें पॉरीफेरा सिलेंटरेटा टीनोफोरा एंड देन प्लेटी हलमिंथस एस्केलमिथस एनी लीडा आर्थरोपोडा मुलेस्का एकाइनोडरमीटा हैमी कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा इन सबको अगर आप लाइन वाइज याद रखेंगे तो आपको कई एग्जाम्पल्स में हेल्प मिलेगी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप याद सकते हैं कई सिस्टम्स में कि कौन सा सिस्टम किस फाइलम से शुरू हो रहा है क्योंकि दे आर इज़ लाइक इवॉल्व फ्राम वन एंड ईच अदर तो इस टाइप से हम याद कर सकते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पहले आया एस केल में उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम आया एनी में एंड देन फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम आया आर्थ्रोपोडा में तो ये लाइन वाइज थे तो डी सी आर की फॉर्म में हम इन्हें याद कर सकते हैं कि सबसे पहले इसमें वो आया है तो आप इनको ध्यान रखिएगा जैसे कि अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही देखिए स्पॉन्जिज़ में यानी पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल उसके बाद देन सीलन एंड देन टीनोफोरा में आपको मिलेगा टिश्यू लेवल यानी कि जो सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस दे आर अरेंज्ड एज टिश्यूज उसके बाद ऑर्गन लेवल की बात करें तो ऑर्गन लेवल में फिर उसके आगे कंटिन्यू होंगे जैसे कि प्लेटी हेलमिंथस नहीं एस्केलमिथस में तो ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा तो ऑर्गन लेवल में आगे प्लेटी हेलमिंथस अपना आर टुगेदर इन फॉर्म ऑफ उसके बाद के जो होंगे सारे आर्थ्रोपोडा कॉर्डेटा उनमें सब में फिर आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ही चलेगा इन विच जो कि ऑर्गन्स होते हैं वो एसोसिएटेड हो जाते हैं टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम एंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन सो ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में वेरियस पैटर्न्स भी शो करते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका पैटर्न जैसे कि प्लेटी हलमिंतस में आप देख सकते हैं हैज़ ओनली सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो कि माउथ की तरह भी काम करेगा और एनस की तरह भी इसलिए इस डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि हमारे पास भी है जिसमें कि टू ओपनिंग्स होती हैं वन माउथ एंड वन एनस तो ये बात ध्यान रखें इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का हो सकता है यानी कि ओपन टाइप और क्लोज टाइप ओपन टाइप में क्या होगा जो ब्लड पंप आउट ऑफ द हार्ट होगा उसमें सेल्स और टिश्यूज़ डायरेक्टली बात होंगे यानी कोई उसमें आ, वैसल्स या कोई सीरीज़ का कोई वो नहीं चल रहा है फ्लो नहीं चल रहा है कोई सिर्फ डायरेक्टली ब्लड में बात करते हैं सेल्स और टिश्यूज लेकिन जो क्लोज टाइप है यानी कि जो हमारे पास भी है इन विच द ब्लड इज़ सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज़ ऑफ़ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स दैट इज़ आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज की थ्रू फ्लो करता है ब्लड हमारा तो इसको हम बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम सो आप इन चीज़ों को एक टेबल की फॉर्म में अगर बनाएं शॉर्ट नोट्स के लिए जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको टेबल की फॉर्म में जब आप याद करेंगे तो इजी होगा आप सारे फाइलम्स के नाम एक तरफ लिखिए ऊपर उसके बाद एक फ़ीचर्स लिखिए जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए उसमें मैंने ऐसे ही बनाया फीचर्स लिखे हैं एक साइड और सारे फाइलम्स लिखे हैं उनमें जब आप फिर एबसेंट प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट हर चीज़ लिखेंगे ओपन है, है क्लोज़ है तो उसको याद करने का तरीका काफ़ी ईजी हो जाएगा इस चैप्टर के लिए बेस्ट मैथड यही है याद करने का टेबुलर फॉर्म में अगर आप करते हैं तो मूव करते हैं आगे पहले अपने बेसिक सारे क्लियर कर लें जो चैप्टर भी कहना चाह रहा है उसने सबसे पहले बेसिक्स ही दिए हैं सारे उसके बाद वो फाइलम्स के बारे में बात करेगा तो सिमेट्री की बात करें तो एनिमल्स को सिमेट्री के बेस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे कि जो स्पॉन्जेज हैं वो ए समेट्रिकल हैं उनमें कोई सिमेट्रिका है ही नहीं दैट इज़ एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डजेंट डिवाइड दम इंटू इक्वल हाफ्स दे आर ए सीमेट्रिकल उसके बाद हम बात करें रेडियल सिमेट्री की तो रेडियल हमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पहले बात करते हैं रेडियल सिमेट्री होती क्या है वेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इंटू टू आइडेंटिकल हाफ जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हम किसी भी प्लेन से सेंटर से पास होता हुआ किसी भी प्लेन से डिवाइड कर दें तो इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होगा उसको हम बोलते हैं रेडियल सीमेट्री और ये हमें मिलेगी सिलेंटरेटा टीनोफोराइन एकाइनोडर्मेटा एकाइनोडर्मेटा की खास बात ये है कि जो हमें रेडियल सीमेट्री मिलेगी वो एडल्ट में मिलेगी और जो उसके लार्वा होते हैं उसमें बायोलेट्रल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सीमेट्री उसके बाद अब बात करें बायलेटरल सिमेट्री की तो बायलेटरल सिमेट्री में तो सिंपल है बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन उसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री जो कि हमें आगे के सभी फाइलम से मिलती है यानी कि हमारे प्लेटी हेलमिथस एसकेलमिंथस एनीलीडा एकाइनोडर्मेटा के लारवा ये बात ध्यान रखिएगा एंड हैमी कॉडेटा कॉडेटा सब में हमें बायलेटरल सिमेट्री ही मिलती है आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि एक प्लेन से ही लेफ्ट और राइट हाफ में वो डिवाइड हो रहा है इसलिए हमने बायलेटरल सिमेट्री बोली है सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है एनिमल्स में जे जिन एनिमल्स में सेल्स दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज होते हैं यानी कि एक एक्सटर्नल एक्टोडम और एक इंटरनल एंडोडम तो वो उनको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं क्योंकि उनमें दो जर्मिनल लेयर्स हैं जब हम एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं या जब कोई भी एनिमल एम्ब्रियो फॉर्म में होता है उसके बाद जब उसके सेल डिवाइड करना शुरू करते हैं तो इट डिवाइड्स इन द फॉर्म ऑफ़ जर्मिनल लेयर्स जो सेल्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं जर्मिनल फॉर्म में एम्ब्रियो के टाइम से ही एक्टोडम एंडोडम तभी से डेवलप हो जाती है उससे ही अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग चीज़ें डेवलप भी होती हैं अलग अलग सेल्स सो दिस आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक प्लास्टिक हालांकि इनमें एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड मीजोग्लिया बिटवीन द एक्टोडम एंड एंडोडम जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली ये एक्टोडम और एंडोडम के बीच में एक मीजोग्लिया अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है ट्रिप्लो में यही क्या हो जाएगा ट्रिप्लो में यही लेयर मीजोडम बन जाएगी वहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगी तो इसको हम बोल देंगे मीजोडम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल है हमारे पास सीलेंटरेट्स एंड टीनोफोरा में अभी इसका क्लियर एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि टीनोफोरा जो जो होता है वो डिप्लो प्लास्टिक और ट्रिप्लो प्लास्टिक की बीच की इंटरमीडिएट कंडीशन में होता है तो इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल आपसे पूछा नहीं जाएगा आई डोंट होप सो सो आगे बाकी प्लेटी हेलमिथ से फिर ट्रिप्लो प्लास्टिक शुरू हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम आगे देखते हैं ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि जिन एनिमल्स में थर्ड जर्मिनल लेयर डेवलप हो जाती है मीजोडम इन बिटवीन द एक्टोडम एंड एंडोडम दे आर कॉल्ड ट्रिप्लो एनिमल्स एंड इट इंक्लूड्स फ्रॉम प्लेटी हेलमिंथस टू कॉर्डेट्स ऑल उसके बाद हम बात करते हैं अब सिलोम की सिलोम क्या होती है सिलोम इज द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मीजोडम अभी हमने बात करी जर्मिनल लेयर्स के बारे में तो जो सिलोम होता है वो होता है बॉडी कैविटी यानी कि मीजोडम से सराउंडेड हुई हुई विच इज़ लाइन बाय मीजोडम उसको हम बोलते हैं सिलोम सिलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन में बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इट इज प्रेजेंट सो एनिमल्स को हम इसके अकॉर्डिंग भी डिवाइड करते हैं जो सिलोम पोजेस करते हैं दे आर कॉल्ड सिलोमेट्स जैसे कि हम देख सकते हैं एनिलेट्स मोलस्क आर्थरोपोर्ट्स एकाइनोडर्मेट्स हैमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स और बाकी कुछ एनिमल्स जो होते हैं उसमें बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोडम इंस्टेट द मीज़ोडम इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेज यहाँ देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं मीजोडम इज प्रेजेंटेड स्कैटर्ड पाउचेस तो इसको हम बोलेंगे स्यूडो सिलोमेट दे आर नॉट ट्रूली सीलोमेट और सिलोमेट की हम बात करें तो सिलोमेट ये आप ए पार्ट में डायग्राम में देख सकते हैं ये जो बॉडी कैविटी है जिसमें कि सिलोम शो करा गया है ये मीजोडम से ही लाइन है बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी तो दिस इज सिलोमेट दिस इज स्यूडो सिलोमेट एंड देन सी पार्ट इज ए सिलोमेट जिसमें कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होगी तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर द बॉडी कैपिटीज एबसेंट देआर कोल्ड ए सिलोमेट्स और प्लेटी हेलमिंथस आएंगे इनमें और प्लेटी हेलमिंथस से आप फिर ए सिलोमेट उसके बाद अगली फाइलम कौन सी आती है एसकेलमिंथस तो वो हो गई सीडो सिलोमेट देन उसके बाद सिलोमेट्स के एग्जाम्पल्स हम बात करें तो सिलोमेट्स के एग्जाम्पल में आएगा हमारे पास एनिडा आर्थरोपोडा मुलस्काइनोडरमेटा हेम इकॉडेटा एंड कॉडेटा तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेगमेंटेशन तो सेगमेंटेशन की हम बात करें तो इन सम एनिमल्स द बॉडीज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड एक होता है एक्सटर्नली डिवाइड होना लेकिन इसमें सेगमेंटेशन में इंटरनली भी डिवाइड हो जाती है इन टू सेगमेंट्स विद रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गनस कुछ ऑर्गन उनमें हर एक में दोबारा ऑर्गन रिपीट होंगे जैसे कि अर्थवॉर्म में द बॉडी शोज दिस पैटर्न उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमको देखने को मिलती है या आप तीन वर्ड्स हैं ये थोड़े से कंफ्यूज करते हैं मेटामेरिज्म मेटाजेनेसिस एंड मेटास्टेसिस तो ये तीनों काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स अभी भी आपको सुना होगा तो लग रहे होंगे लेकिन आपको मैं क्लियर कर देता हूँ मेटामेरिज्म इज द मेटामेरिक सेगमेंटेशन विच इज शोन बाय सम एनिमल्स विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम मेटाजेनेसिस इज शोन इन सिलेंटरेट्स वेयर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर्स यानी कि पॉलिप होता है पहले तो वो पॉलिप से ए सेक्चुअली मेड्यूसा बनता है फिर मेड्यूसा ड्यूसा सेक्चुअली पॉलिप प्रोड्यूस करता है वापस दिस इज़ कॉल्ड आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे सिलेंटरेट्स में बाकी मेटास्टेसिस ये कैंसर की प्रॉपर्टी होती है कैंसरस सेल्स की आपको पता होगा कि उनके फैलने की प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स तो टू रीच अदर साइट्स एंड प्रोड्यूस न्यू ट्यूमर्स देयर एंड स्प्रेड द कैंसर इन द बॉडी सो इन तीनों टर्म्स में आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा फिर उसके बाद नोटोकॉर्ड आप सब जानते हैं मीजोडर्मरी डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइट ड्यूरिंग दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स और वो एनिमल्स कौन से हैं कॉर्डेट्स सो कॉर्डेट्स इसलिए उनको बोलते हैं क्योंकि उनमें नोटोकॉड प्रेजेंट होगी बाकी जिन सब में कॉर्डे ये नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होगी उनको हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स तो जो नॉन कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल आएंगे वो आएंगे पोरीफेरा से लेके अकाइनोडम्प तक बिकॉज जो हैमी कॉर्डेटा है वो भी पहले एज अ सब फाइलम इंक्लूड होता था अंडर कॉर्डेटा तो उसको हमने नॉन कॉर्डेट्स में इंक्लूड नहीं किया है और एन सी आर टी भी ऐसा ही बोल रही है तो इसलिए आप पोरी टू काइनोडम्स याद रखिएगा नॉन कॉर्डेट्स के एग्ज़ाम्पल में स्पेशली उसके बाद हम अब शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो कि अब आपको सारी फाइलम्स के बारे में अलग अलग बताएंगे और फिर आप ईजीली अपना चैप्टर कवर कर लेंगे या आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि आप सेलुलर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीमेट्री और सीलम के एग्जाम सीलम के जो फाइलम्स हैं इन सब की डिटेल्स तो इस चार्ट के फ्रो फॉर्म में ही बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से शो करा हुआ है इन्होंने देखिए आप ये चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत लगती है बाकी इजी है अगर आप दो चार बार पढ़ेंगे इसके एग्जांपल्स भी आपको याद हो जाएंगे आई कैन अश्योर यू क्योंकि मैंने भी करे हुए हैं याद तो आई नो सो आप शुरू करते हैं कोशिश करेंगे स्पीड से कवर करने की चैप्टर क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे हैं तो टाइम लगेगा तो आपको बेसिकली मैंने एग्जांपल्स सबके बता दिए कि सेलुलर लेवल किस में मिलेगा सीलोम किस में मिलेगा तो मैं ये सारी बातें अब दोबारा ना दोहराते हुए आपको इनके बेसिक फ़ीचर्स डिस्टिंक्टिव फ़ीचर्स एग्ज़ाम्पल्स इन सब के बारे में एक्सप्लेन करता हुआ फटाफट आगे बढ़ता हूँ बाकी आप नोट्स में अपने लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाकी आपको टेबुलर फॉर्म मैंने बताइए तो टेबुलर फॉर्म इज़ दी बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस चैप्टर जो कि मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा और आप अपने आप भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं तो फाइलम पॉरीफेरा सबसे पहले हम बात करते हैं दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस मैराइन होते हैं ये बाकी इसमें मल्टी सेलुलर प्रिमेटिव एनिमल्स हैं ये यह बात आप याद रख सकते हैं स्पेशल बात है इनकी दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम एंड वाटर जो होता है इनकी बॉडी में एंटर करता है तो माइनोट पोर्स ऑस्टिया जिससे कि ये इट एंटर्स इन द बॉडी वॉल इंटू अ सेंट्रल कैविटी होती है इसमें स्पॉन्जो सील विच इज़ लाइन बाय क्वैनोसाइट्स और कोलर सेल्स तो वहाँ से फिर ये इट गोज़ आउट थ्रू दी ऑस्क्यूलम इन तीनों ऑर्गन्स को आप याद रखिएगा दिस पाथ वे वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रिमूवल ऑफ वेस्ट इन सब में इसका यूज़ होता है और जो इसकी बॉडी होती है पोरीफेरा की इट इज़ सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का एक स्केलेटन होता है जिससे कि इनकी बॉडी सपोर्टेड रहती है और मेन बात इनकी है दी दे आर हर ये बात आप ध्यान रखिएगा बाकी जो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट है सबका वो मैं आपको बताता रहूँगा बाकी इसमें बेसिकली सब में ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही देखने को मिलेगा आपको एक्सटर्नल काफ़ी कम में है और डेवलपमेंट भी लगभग इनडायरेक्ट ही है इन सब में तो जो कोडेट से या कहें कि एकाइनोडर्मेट्स तक लगभग तो इनडायरेक्ट ही है लगभग सब में तो बात करते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन इसमें भी इंटरनल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ही हैविंग अ लार्वल स्टेज स्ट इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट उसके बाद अब बात करते हैं एग्जांपल्स की एग्जाम्पल्स में खास बात आप ये ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल्स को याद करते हुए इनकी फ़िगर्स के साथ ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में आपके ये भी पूछा जा सकता है कि ये एग्जाम्पल कौन सा है इसका नाम बताइए या इसका फाइलम आपसे पूछ लें डायरेक्ट ये बताइए किस फाइलम को बिलोंग करता है तो आप ध्यान रखिए ये साइकॉन है ए एग्ज़ाम्पल जो है साइकॉन एंड देन बी इज़ यू यू यूसपौजिया को आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं देखिए दिस इज़ लाइक एन इन्वर्टेड यू बी वाले में आप देख रहे होंगे यू की शेप में है ये तो इसको मैंने ऐसे याद रखता था मैं बाकी आप अपने पैटर्न भी बना सकते हैं याद करने के जैसे आपको अच्छा लगे बी यू स्पोंजिया हो, हो गया और ये स्पॉन्जिला हो गया स्पॉन्जिला तो दिस इज़ इस... फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यू इज बाथ स्पोंज आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बाथ स्पॉन्ज इन सब में से कौन सा लग रहा है देखने में जिससे आप नहा सकें बात कर सकें तो बी लग रहा है बाकी ये सब तो देखने में नहीं लग रहे हैं तो यू स्पॉन्ज स्पौंज, या बाथ स्पोंज स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज ये आपको एनिमल की तरह लग रहा होगा किसी तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो गया और बी है साइकॉन जिसका दूसरा नाम है स्काइफा नेक्स्ट फाइल में हमारा सिलेंटरेटा जिसको कि दूसरा नाम है जिसका निडेरिया निडेरिया इसका नाम क्यों है अभी आपको उसका भी रीज़न बताते हैं जनरली ये मोस्टली मैराइन होते हैं या uh, सेसाइल और फ्री स्विमिंग हो सकते हैं या इनके बारे में बेसिक डिटेल होगी द नेम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम द नीडो ब्लास्ट और निडोसाइट्स ये होते हैं सेल्स होते हैं विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स दीज निमेटोसाइट्स जो सेल होते हैं ये कंटेन करते हैं प्रेजेंट ऑन दे आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी इसलिए इनको निडेरिया बोलते हैं बिकॉज दे कंटेन नीडोब्लास्ट और निडोब्लास्ट जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं वो बने होते हैं निमेटोसाइट्स से तो ये बात आप ध्यान रखिएगा इसलिए इनको निडेरिया भी बोला जाता है फ्रॉम दर्ड नीडोब्लास्ट और निडोसाइट्स एंड नीडोब्लास्ट्स आर यूज फॉर एंकरेज डिफेंस एंड द कैप्चर ऑफ प्रे उसके बाद हम ये बात ध्यान रखेंगे कि जो इनका माउथ होता है द्रजेंट ऑन दी हाइपोस्टोम उसके बाद कोरल्स होते हैं इनमें कोरल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट उसके बाद इनकी बेसिक बॉडी फॉर्म्स के बारे में ज़रूर याद रखिएगा पॉलिप एंड मेड्यूसा के बारे में जो पॉलिप है इट इज़ अ साइलेंट सिलेंड्रिकल फॉर्म जैसे कि हाइड्राइट एडेम्सिया आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स में सेसाइल फॉर्म ये जो बी पार्ट में आप देख सकते हैं इधर ये बी पार्ट में ये पॉलिप है ये हाइड्रा आपको इन सब में से इसको एग्जाम्पल को ऐसे याद रख सकते हैं कि हाइड्रा की शेप आप सब जानते ही हैं कि ऐसी होती है बी पार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं तो और इसके नीचे इसका आउटलाइन डायग्राम दिया गया है एक आउटलाइन भी आपको इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो इसकी आउटलाइन आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी और ऐसे ही ये मेड्यूसा है ए पार्ट में मेड्यूसा की आउटलाइन अगर आप देखेंगे ऊपर से तो आपको ऐसी कुछ दिखाई देगी उसके बाद हम बात करते हैं इनके बारे में थोड़ी सी और तो जो मेड्यूसा होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड का होता है और फ्री स्विमिंग होता है लाइक like ओरेलिया और जेलीफिश और फॉर्मर्स यानी कि जो कि पॉलिप है उसके एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड एडेमशिया बाकी अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था मेटाजेनेसिस के बारे में तो कुछ निडेरियंस होते हैं विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एंड दे एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट इज़ पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसा ए सेक्जुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म द पॉलिप्स सेक्जुअली इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया बाकी इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ फाइजेलिया पॉर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर जिसका कॉमन एग्जाम्पल है एडामसिया सी एनिमॉन पेनेटुला सी पेन गुरगोनिया सी फैन एंड मियद्रीना ब्रेन कोरल तो उसके बाद नेक्स्ट फाइल है हमारा टीनोफोरा टीनोफोरा का कॉमन नेम सी वॉलनट्स और कॉम कॉमजल आप सबके कॉमन नेम्स भी अच्छे से ध्यान रखेगा एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन और इनकी जो बॉडी होती है एट बियर्स एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी इसमें डायग्राम में देख सकते हैं दे बियर एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स जिससे कि ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं इनको और जो इनका डाइजेशन है वो बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर और इनमें इन एक स्पेशल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है बायोलिमिनीसेंस दिस दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम टू अमेट लाइट तो इसमें रिप्रोडक्शन सेक्जुअल मीस ही होगा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है एग्जाम्पल्स इनके प्लूरोब्रैकिया एंड टीनो टीनोफोरा से टीनो प्लान आप याद रख सकते हैं इजीली एंड प्लेब्रैकिया आप इससे इसकी कॉम प्लेट से कुछ इस तरह से मैंने याद रखा हुआ है कि इसमें कॉम प्लेट्स होती हैं तो प्लेरोब्रैकिया तो ये था इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट फाइल है हमारी प्लेटी हेलमिथस ये इनके पास होती है डॉसौ वेंटली फ्लैट एंड बॉडी यानी नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से फ्लैट बॉडी होती है इसलिए इनको फ्लैट फॉर्म्स भी बोला जाता है मोस्टली जो प्लेटी हेलमिन्स होते हैं वो एंडो पैरासाइट्स होते हैं एंड दे आर फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स इसलिए इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता है बिकॉज दे डायरेक्टली टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर होस्ट एंड उसके लिए इनमें हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स बाकी इनमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं कॉल फ्लेम सेल्स विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन फर्टिलाइजेशन इंटरनल है इनमें भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है यानी मैनी लार्वल स्टेजेस से होगा और प्लेनेरिया जो होता है इट पोजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी बाकी इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप टीनिया टेप वॉम एंड फेसियोला लीवर फ्लू ये तो आप इजिली ध्यान रख सकते हैं जो टेप वॉम है देखने से ही दिख रहा है टेप फॉम जैसा ए पार्ट में आप देख सकते हैं और बी पार्ट में जो लीवर फ्लूक है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा फेस्टिवला जब आप पाँच छः बार इसको रिव्यू करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब आ गया है वो फाइलम जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होना शुरू हो गया है और पहले बॉडी ए हुआ करती थी और अब स्यूडोसीलम ही आ गया है हालांकि पूरा सीलम नहीं आया लेकिन स्यूडोसीलम तो आ ही गया तो एस्कल मिन्थस को बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होना शुरू हुआ इसके बाद जितने भी सब आएंगे सब में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा और इसमें सीडोसिलोमेट है और इससे अगले से सीलोमेट शुरू हो जाएंगे इनका कॉमन नाम राउंड वॉम्स बिकॉज दे हैव सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड दे मे बी फ्री लिविंग एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एंड दे ऑल्सो मे बी पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है वो चेरेरिया जो फिलेरियल है इट इज़ पैरासिटिक फॉर्म एंड उसके बाद इसकी बात करें तो एलिमेंट्री कनाल इसमें कंप्लीट है अभी आपको बताया विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स और एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो रिमूव करती है बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी एंड दे आर डाइशियस दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट एंड फीमेल्स आर लॉन्गर दैन मेल्स इसकी ये बात ध्यान रखने वाली थोड़ी आप एक डायग्राम में देख सकते हैं ये फीमेल का डायग्राम है जो थोड़ा लॉन्गर है और ये मेल का डायग्राम है जो सिर्फ सिंगल लाइन में है और एक और बात जो मेल्स होते हैं दे हैव कर्व्ड एंड जो इनका एंड पार्ट होता है वो कर्व्ड होता है आप देख सकते हैं जो मेल है इसमें इसमें एंड का पार्ट थोड़ा कर्व्ड है ये फीमेल का आप कर्व्ड मत समझिएगा ये डायग्राम में पूरा दिखाने के लिए उन्होंने इसको फोल्ड करके दिखाया कि ये लॉन्ग होते हैं बाकी जो कर्व्ड पार्ट होता है वो मेल में होता है वो फीमेल में नहीं होता है तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा बाकी इनका भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल्स इनके एसकेरिस राउंड वार्म वोचरेरिया फिलेरिया वाम एंड एनसाइक्लोस्टोमा दैट इज़ हुक वॉम सो so, ये थे इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट फाइल हम हमारा एनी पर आते हैं एनी होते हैं दे मे बी एक्वेटिक और टेस्टल फ्री लिविंग एंड सम्स पैरासिटिक इसमें भी सारे इंक्लूड करता है ये भी उसके बाद बात करें तो इसमें मेटामेरिज्म का फिनोमिना जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि बॉडीज डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स विद सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन्स तो इसलिए ही इनको सेगमेंट्स की वजह से इनको एनी नाम दिया गया जिसका लैटिन में मतलब होता है एन्युलस एन्युलस का मतलब होता है लिटिल रिंग एंड ये लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स भी पोजेस करते हैं विच हेल्प इन लोकोमोशन एंड जो इसका एग्जाम्पल है नीरीज जो कि एक्वेटिक एनिलिट है ये बात आप ध्यान रखिएगा नीरीसिजा एक्वेटिक एनीलिट इट पोजेस लेटरल अपेंडिजिज कॉल्ड पैरापोडिया जो कि इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं बाकी नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है इनमें विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन एंड दे हैव न्यूरल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गेंगलिया यहाँ से न्यूरल सिस्टम भी डेवलप होना शुरू हो जाता है एंड it इट इज़ कनेक्टेड lateral nerves नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व Nereis नीरीज एक्वेटिक फॉर्म है और यही डाइशियस है क्योंकि अर्थफॉर्म तो आप जानते हैं कि अर्थफॉर्म और लीच तो मोनोइशियस होते हैं यानी कि बाइसेक्जुअल होते हैं जो नीरीज है वो डाईशियस है यानी कि यूनिसेक्जुअल है और रिप्रोडक्शन इसमें सेक्जुअल ही होगा एग्जाम्पल्स आप इसके देख सकते हैं नीरीस फेराटिमा यानी कि अर्थफाम एंड हीरोडीनेरिया यानी कि ब्लड शिकिंग लीच डायग्राम में देख सकते हैं आप इसके नीरीस जो कि एक्वेटिक आपको बताया एनीलिट है ये ए पार्ट में नीरीस दिया हुआ है और बी पार्ट में इट इज हीरो दैट इज ब्लड सकिंग लीच सो मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट फाइलम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लार्जेस्ट फाइलम सो आप सब जानते ही होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ इट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा ये बात आप सब जानते हैं कि लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलियर किंगडम का आर्थ्रोपोडा एंड ओवर टू थर्ड्स ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर ऑल आर्थ्रोपोर्ट्स एंड इसके बारे में बात करते हैं द आर्थरोपोट इज कवर्ड बाय काइटिनस एग्जोस्लेटन ऑल आर्थ्रोपोड्स आर कवर्ड बाय काइटिनस एग्जोसकेलेटन एंड द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड थोरैक्स एक्स एंड एपडोम दे हैव जॉइंटेड अपेंडिजिज इसलिए इनको आर्थ्रोपोडा नाम भी दिया गया है क्योंकि जॉइंटेड अपेंडिजिज होते हैं इनके पास जिसका मतलब है आर्थ्रो का मतलब जॉइंट और पोडा का मतलब अपेंडिजिज़ और जहाँ तक बात रही काइटिन की तो काइटिन से एक और बात याद आई काइटिन से आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ये किसका पॉलीमर होता है इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन आप सब लोग जानते होंगे और होमोपोलीमर हाइड्रोपोलीमर में इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रह चुका है बट वी विल गो विद द एन सी आर टी जो कि बोलती है कि दे आर होमोपोलीमर सो so, काइटिन जो है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन कॉम्प्लेक्स पोलिसक्राइट का होमोपोलीमर है खैर ये बात तो अलग चैप्टर की आ गई हमारी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर देन गिल्स बुक गिल्स बुक लंग्स ट्रैकेल सिस्टम ये सब इसमें और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बताया था एसकेल मिंथस में शुरू हुआ था फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किस में शुरू हुआ था पीछे जो एनिलीडा हमारा आया था और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा आर्थ्रोपोडा से शुरू होता है ये बात आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि डी सी आर आपने उसको तो लाइन वाइज याद करा करावाई है एसकेल मिंथस एनिलीडा आर्थरोपोडा तो एसकेल मिंथस में आपको ये बस ये बात ध्यान रखनी कि एसकेल मिंथस से शुरू होगा ये सब तो डी यानी कि एक्सकल मेंस में डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होगा एंड देन एनीरीडा में सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें भी प्रेजेंट होता है एंड देन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा आर्थ्रोपोडा से शुरू होगा तो एक्सक्रीशन के लिए इसमें मालफिगन टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं दे आर मोस्टली डाईशियस और इनमें सेंसरी ऑर्गन्स भी मिलते हैं कुछ लाइक एंटीना आइज आइज इनमें में कंपाउंड एंड सिंपल दोनों टाइप की मिलती हैं एंड सेटोसिस और बैलेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट इसमें से आपको क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में जो कि मालफी tubule है जिससे कि एक्सक्रीशन हो रहा है या कि आपसे कोई example पूछ सकते हैं इसका इनमें से जैसे कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के example आप देख सकते हैं एपिस बॉम्बिक्स लेसिफर एंड vectors आप सब लोग जानते हैं एनोफिलीज काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है फीमेल एनोफिलीज मलेरिया कॉज करता है एंड क्यूलेक्स एंड एडीज दे ऑल्सो कॉज सेवरल डिसीजेज ग्रीगेरियस पेस्ट ये आप ग्रीगेरियस पेस्ट और लिविंग फॉसिल से भी क्वेश्चन का लगा सकते हैं आइडिया कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है जो लोकस्टा होता है जिसका कि कॉमन नेम लोकस्ट है वो ग्रीगेरियस पेस्ट है और जो लिविंग फॉसिल है वो है लिम्यूलस यानी कि किंग क्रैप आपको मैं डायग्राम में शो करता हूँ ये ए पार्ट में आप जो देख सकते हैं लोकस्ट है शक्ल से ही दिख रहा है इट इज़ लाइक अ पेस्ट सो आप ग्रीगेरियस बेस्ट इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं बाकी बटरफ्लाई और ये सी पार्ट में स्कॉर्पियन एंड देन डी पार्ट में प्रॉन इन सब से तो आप जान पहचान आपकी होगी देन वी कम टू फाइलम मोलस्का मोलस्का फाइलम जो है सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है एंड टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इनमें भी आपको ये सब मिल सकते हैं देखने को एंड इनमें जो खास बात है बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल एंड अनसेगमेंटेड होगी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होगी सेगमेंटेशन की एक और बात आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है जैसे कि हमें एनिलीडा में मिलती है लेकिन इसमें कोई सेगमेंटेशन हमें नहीं मिलेगी सेगमेंटेशन हमें आप ध्यान रखिएगा तीन में ही मिलेगी एनिलीडा आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा इन तीनों के अलावा आपको सेगमेंटेशन कहीं देखने को नहीं मिलेगी दे आर ऑल्सो अनसेगमेंटेड एंड द बॉडी इज डिस्टिंक्ट विद हेड मस्कुलर फुट एंड मिसलर फम्प इनकी बॉडी तीन में डिवाइडेड होती है हेड में मस्कुलर फुट होता है और एक विसरल हम्प होता है और जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है इट फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प एक ये लेयर बना लेती है और जो स्पेस होगी बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इट इज़ कॉल्ड द मेंटल कैविटी जहाँ पर प्रेजेंट होंगे फेदर लाइक -like गिल्स जिसके कि रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस होते हैं और जो इसका इंटीरियर हेड रीजन होगा उसमें सेंसरी टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसका माउथ जो होता है इट कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग एंड दैट इज कॉल्ड रेड्यूला और अब इसके एग्जांपल्स पर चलते हैं हम एग्जांपल से पहले एक और छोटी सी बात दे आर ऑल्सो डाइश यानी कि सेक्स सेपरेट होंगे एंड देर ओवी पेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट डेवलपमेंट सब में इनडायरेक्ट ही चलेगी कॉर्डेट्स तक और कॉर्डेट्स में भी कुछ ऐसी क्लासेज होंगी जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही चलेगी बाकी फिर आगे डायरेक्ट होगी धीरे धीरे इवॉल्यूशन हुआ आपको बताया ना दी, आ, दी आर दीज आर इवॉल्व लाइक देयर सीक्वेंस जैसे कि इन सबको जिस सीक्वेंस में अरेंज किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे डेवलप हुई हैं और इनका एयरफॉम्स यही हैं इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं पाइला यानी कि एप्पल स्नेल पिंक टेडापाल ओस्टर्स सेप या कटल फ़िश कटल फिश आप लोग ध्यान रखिएगा ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग करते हैं ये तीन ये कटल फिश और ये एक दो चार फिश के नाम दे देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से फ़िश कौन सी नहीं है यानी कि पाइसिस क्लास में कौन सी बिलोंग नहीं करती है तो इन फिश जैसे कि कटल फिश आगे डेविल फिश है इन सबको आप ऑक्टोपस तो खैर आप ध्यान रख लेंगे का में लेकिन कटल फिश थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा सेपिया का कॉमन नेम है कटल फिश देन लॉलीगो स्क्विड ऑक्टोपस डेविल फिश एप्लीजिया सी हेयर इट इज लाइक रैबिट तो ये सी रैबिट की तरह होता है जैसे कि हेयर रैबिट का मिलता जुलता होता है थोड़ा बड़ा होता है बस रैबिट से ऐसे ही ये सी हेयर है प्लीजिया डेंटेलियम देन शेल एंड कीटोप्लोरा देन कीटोन ये ए पार्ट में यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है पाइला यानी कि एप्पल स्नेल और ये बी पार्ट में ऑक्टोपस इससे तो आप अच्छी तरह से अवगत होंगे डेविल फिश आप सब बचपन से देखते आ रहे होंगे टीवीज में तो मूव करते अपने नेक्स्ट फाइलम पे जो कि है अकाइनो डरमेटा इसमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्केरियस ऑसिकल्स का होता है इसलिए इसको नाम एकाइनोडर्मेटा दिया गया यानी कि स्पाइनी बॉडेड तो इन सब में ये प्रेजेंट होता है इसकी ये आपको बताई गई थी पहले भी जो एडल्ट एकाइनोडर्मेट्स होंगे वो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे लेकिन जो इनके लार्वा होंगे दे आर बायलेट्रली सिमेट्रिकल एक बार फिर से बता दिया है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद माउथ ऑन लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन दी अपर डॉर्सल साइड ये बात भी आप इसकी ध्यान रखिएगा कि इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड पर होता है एंड एन इज दी ऑन दी डॉर्सल साइड एंड द मोस्ट डिस्टिंगटिव फीचर ऑफ द एकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम बिकॉज इट हेल्प्स इन लोकोमोशन कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन एक और ख़ास बात एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एबसेंट होगा प्रोडक्शन सेक्जुअल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा इनमें भी विद फ्री स्विमिंग लावा एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप इसमें एग्जाम्पल्स को आप स्टार वाले ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसमें तो स्टार फिश जैसे कि ब्रिटल स्टार ये सब तो आप सब लोग ध्यान रख सकते हैं एकाइनस तो अकाइनोडरमेटा से पता चल ही रहा है सीअर्स इन एस्टरियस स्टार फिश एंड देन एंटीडन सी लिली कोकुमेरिया सी कुकुम्बर ऑफ यूरा ब्रिटल स्टार सो आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं ये स्टार फिश का एग्जाम्पल है एस्टेरियस uh, का एंड देन बी पार्ट में ऑफ्यूरा यानी ब्रिटल स्टार दोनों स्टार शेप के ही हैं तो ये आप ध्यान रखिएगा विद फिगर सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फाइल विच इज हैमी कॉरडेटा हैमी कॉरडेटा को अर्लियर इट वॉज कंसिडर्ड एज सब फाइल हम अंडर द कॉरडेटा बट नाउ इसको सेपरेट फाइल में प्लेस कर दिया गया अंडर नॉन कॉरडेटा तो ये जो है इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स होते हैं एंड बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल है एंड इनका मेन फीचर जो इनका है दे हैव एन एंटीरियर प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है इनमें जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है इनके बाकी फ़र्टिलाइजेशन में इनमें भी एक्सटर्नल है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है एग्जाम्पल बेलनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस सो आप फिगर में देख सकते हैं ये बेलनोग्लोसस का एक एग्जाम्पल दिया गया है फिगर में एंड देन नेक्स्ट फाइलम इज कॉर्डेटा कॉर्डेटा इज दी ये भी काफ़ी बड़ी फाइलम है नॉट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्पीशीज बट अकॉर्डिंग टू दी मटीरियल विच वी हैव टू स्टडी सो इसमें सारी क्लासेज हमें पढ़नी हैं कॉर डेटा में पहले तो किन दोनों में इसमें डिवाइड होता है वो दो डिविजन होते हैं एक नैथा गैथो स्ट्रोमेटा और उससे पहले उससे भी पहले की बात अगर हम करें तो ये तीन में डिवाइड होता है कॉर डेटा अभी हम आगे बात करते हैं चलिए आगे ही बात करते हैं अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए तो पहले कॉड डेटा की बात करें फंडामेंटली इनमें करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटो कोड डोरसल होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल फरेंजियल गिल्सलिट्स प्रजेंट होंगी इनमें और दे हैव पोस्ट एनल टेल ऑल्सो सो और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इनका डायग्राम में आप देख सकते हैं ये डायग्राम जरूर ध्यान रखिएगा डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें नर्व कॉर्ड कौन सी है नोटो कॉर्ड कौन सी है गिल गिल्सलिट्स और पोस्ट एनल टेल तो इसको आप ध्यान रखिएगा ये आपको कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में कंपैरिजन भी दिखाया गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कॉर्डेट्स का है ये आप ध्यान रखिएगा पॉइंट वो डोर्सल होलो एंड सिंगल होता है और नॉन कॉर्डेट्स में जैसा कि हमने एनी में पढ़ा था बताया गया था हमें डबल वेंट्रल और सॉलिड होता है नॉन कॉर्डेट्स में बाकी गिल्सलिट्स इनमें प्रेजेंट होंगी इनमें एबसेंट होंगी नॉन कॉर्डेट्स में कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रल होगा और नॉन कॉर्डेट्स में अगर प्रेजेंट होगा तो डोर्सल होगा जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से प्रेजेंट हुआ था एनी लीडा से तो एनी एनीडा से अगर किसी में हार्ट होगा जैसे कि कॉकरोच में होता है तो इट इज़ डोरसलाक्रोच पढ़ के आ आ ही चुके हैं तो पोस्ट चैनल टेल बाकी कॉर्डेट्स में ही मिलेगी हमें अब फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड करते हैं तीन सब फाइलम में यानी कि यूरोडेटा यानी कि टीनो ट्यूनिकेटा इसका दूसरा नाम और सिफेलो को है दूसरा और तीसरा है वर्टिब्रेटा अब जो यूरोडेटा और सिफेलोकॉडेटा हैं इनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं यूरोकोडेटा जो होता है इनमें तो क्या होता है कि जो नोटोकॉड होती है इट इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल एंड सिफालोकोडेटा में होता है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ सो इसलिए ही इनमें परमानेंट और नोटोकोड का सिस्टम नहीं है इसलिए इनको प्रोटोकोडेट्स में इंक्लूड किया गया है यूरोडेटा के एग्जाम्पल एसीडिया सेल्फाडोलियोलम एंड सिफालोकोडेटा के ब्रैकिस्टोमा यानी कि एम्फी और लेंसलेट्स का दूसरा नाम है ब्रैकिोस्टोमा और प्लेरोब्रैकिया में कन्फ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी प्लेरोब्रैकिया आप पढ़ के आ चुके हैं टीनोफोरा का एग्जाम्पल है और ये ब्रैक्योस्टोमा ये सिफेलोको का एग्जाम्पल है जो कन्फ्यूजिंग एग्जाम्पल है मैं आपको बताता चल रहा हूँ बस इनसे बच के रहिएगा इन्हीं में आपको कन्फ्यूज़ किया जाएगा फ़िश वाला एग्जाम्पल है जैसे वो या एक आगे अभी पेंगुइन और डॉल्फिन वाला एक कन्फ्यूजन वाला आएगा एक शार्क और वेल वाला तो इन चीज़ों को आप बस ध्यान रखिएगा इन्हीं में ही ज़्यादातर आपको गुमराह करने की कोशिश की जाएगी जिसमें आपको नहीं होना है बिल्कुल भी साथ ही में यहाँ पर आप एस का डायग्राम भी देख सकते हैं नेक्स्ट फिर हम मूव करते हैं अपने तीसरी सब फाइलम पर कॉडेटा की जो कि है वर्टिप डेटा वर्टिबलेटा नोटोकॉड तो प्रोजेस करते हैं प्रोजेस करते हैं ड्यूरिंग दी एम्ब्रियनिक पीरियड लेकिन ये जो नोटोकॉड है रिप्लेस हो जाती है बाय कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट में एडल्ट तक नहीं रहती है तो इसलिए वर्टिब्रेटा का ये खास फीचर हो गया और इससे एक बात आगे बताई हुई दट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स दिस इज वेरी सिंपल लाइन इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स जो कि हम पढ़ के आए हैं कि इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा नोटोकॉड प्रेजेंट होगी इन सब के अलावा वर्टिब्रेड्स का अलग है वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद टू थ्री और फोर चैम्बर्स किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडिजिस विच में भी फिनसोल्डि दूसरी सब फाइलम्स में नहीं है जो कि सिर्फ वर्टिब्रेटा में है इसके कॉर्डेट्स के बेसिक फ़ीचर्स हैं ही और ये भी इसमें इंक्लूड हैं तो अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा को डिटेल में येस yes, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि वर्टिब्रेटा में आगे डिविजन्स होते हैं ए ग्नेथा यानी कि जिनमें जॉ नहीं होता है दे लैक्स जो इसमें सिर्फ एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा और जो ग्थोस्ट्रोमेटा है डिविजन दूसरी दैट बियर जो उसमें जो सुपर क्लास आएगी दो सुपर क्लास हैं एक पाइसिस विच बियर फिंस एंड टेटरो टेटरापोडा विच बियर लिम्ब्स तो पाइसिस में फिर आगे दो क्लास हैं कॉन्ड्रिकाइथिस एंड ऑस्टिकाइथिस एंड टेट्रापोडा में एम फी एंड मेमल्स इसको हम डिस्कस करते हैं फटाफट से तो चलिए सबसे पहले बात करें क्लास साइक्लोस्टोमेटा तो दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस हैव सिक्स टू फिफ्टीन पेयर ऑफ स्लिप्स फॉर रेस्पिरेशन हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जोज आप पढ़ चुके हैं क्योंकि एक नैथा डिवीजन में आ रहे हैं एंड देर बॉडीज़ इज डिवाइड ऑफ स्केल्स क्रेनियम एंड वर्टिप्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए बाई चांस पूछ सकता है मेन बात इसके बारे में है साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वो मराइन होते हैं बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर स्पोनिंग यानी कि एग्ज और पम्प्स रिलीज करने के लिए ये फ्रेश वाटर में जाते हैं जहाँ पर फिर इनमें फ़र्टिलाइजेशन के बाद जो इनके लार्वे डेवलप होते हैं वो आफ्टर मेटाफोमफोसिस वो तो वापिस आ जाते हैं ओशियन में लेकिन स्पोनिंग के कुछ दिन बाद ही जो एडल्ट होते हैं वो डाय, दे डाय, सो इनके एग्जांपल्स पेट्रोमाइज़ोन लैम्प्रे जो कि आप देख सकते हैं फिगर में एंड मिग्जीन हैग फिश ये हैग फिश भी ध्यान रखिएगा इट इज़ ऑल्सो नोट आ फिश सो ठीक है फ़िश से हमारा यहाँ मतलब है कि पाइसिस जो क्लास में नहीं है पाइसिस सुपर क्लास में नहीं है उसको हम फिश नहीं बोलते हैं जनरली तो फिश होती है पाइसिस क्लास वाली ये आप ध्यान रखिएगा बात यह आप कह सकते हैं कि इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कहना गलत होगा कि ये फिश नहीं है तो फिश से हमारा मतलब है कि पाइसिस वो हमसे पाइसिस पूछेगा इन सारी फिशेस के नाम देखें हम सब अब सोचते हैं कि पाइसिस है तो सारी फिशेस उसमें ही आएंगी दूसरी फाइलम्स में या दूसरी डिविजन्स क्लासेज में नहीं आएंगी लेकिन दूसरी क्लासेज में भी फिशेस कुछ हैं इसलिए आप उनका ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्लास है हमारी कॉन्ड्रिकाइथिस जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं जो कि कांटेदार फिशेस होती हैं दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड देव काट इलेजिनस एंडस्केलेटन कांटेदार होती हैं बड़ी नोटोकॉर्ड इन में परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ गिल्स लिट्सपरेट विदाउट ऑपरकुलम इन गिल कवर प्रेजेंट नहीं होता है स्किन इनकी टफ है और इनमें जो scales होते है, स्केल्स modified, backwardly, backwardly directed, होते हैं वो होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स एंड दे टीथ आर मॉडिफाइड विच आर बैकवर्डली बैकवर्डली डायरेक्टेड एंड वेरी पावरफुल जॉज होते हैं इनके क्योंकि ये प्रडेशियस एनिमल्स हैं लेकिन इनमें एयर ब्लैडर प्रजेंट नहीं होता है इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है टू अवॉइड दिस सिंकिंग डायग्राम में आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं ए पार्ट में स्कॉलिडन जिसका कि कॉमन नेम डॉग फिश होता है और बी है प्रिस्टिस यानी कि सॉफिश ये तो बड़ा आसान है ध्यान रखना प्रिस्टिस सॉफिश सो का मतलब होता है आरी आप इसके इस फिश में देख सकते हैं कि आरी शेप का इसका माउथ होता है इसलिए इसको सॉफिश भी बोलते हैं प्रिस्टिस को तो इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न दिस सो नेक्स्ट है हमारा इसका जो हार्ट है वो टू चम्बर्ड हार्ट होगा और इसके कुछ कॉमन थिंग्स हैं जैसे कि कोल्ड ब्लडेड होंगे सारे कोल्ड ब्लडेड को बोलते हैं पॉइ किलोथर्मस यानी कि जिनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो जाए वो पोइकिलोथर्मस होते हैं कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो होम्योथर्मस होते हैं यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो एव्स क्लास के भी हैं तो उनमें जो होता है वो होमोयोथर्मस होते हैं यानी वो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं थ्रू आउट दयर वेदर इट इज़ कोल्ड आउटसाइड और वेदर इट इज़ हॉट आउटसाइड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जैसे कि टॉर्पीडो इसका एग्जांपल है हैविंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स एंड ट्राइगोन हैविंग पॉइजन स्टिंग बाकी इनमें मेल्स जो होते हैं इट बियर्स क्लास पर पेल्विक फिन इनमें क्लास पर बियर करता है एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड वीवी पैरस होते हैं ये बात ध्यान रखिएगा दे आर वीवी पैरस दे आर नॉट ओवी पैरस क्लास कॉन्ड्रिकाइथिस वी वी पेरस एग्जाम्पल्स इसके स्कॉलिड एंड डॉग फिश प्रिस्टिस सॉफ फिश कैरकेराडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क एंड ट्राइगोन स्टिंगरे जो ग्रेट व्हाइट शार्क है वो कैरकेराडॉन यानी कि वो क्लास ऑस्टिकाइथिस में ये बात आप ध्यान रखिएगा और जो ब्लू वेल है यानी कि बेलन तो वो आती है मेमेलिया क्लास में वो फिशेस वाली क्लास में वो भी नहीं आती है उसको भी बच्चे मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास ऑस्टिकाइथिस इट इंक्लूड बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशिज़ और इनमें बोनी एंडोस्केलेटन होगा उनमें कार्टिलेजिनस था इनमें बोनी होगा बॉडी इनमें भी स्ट्रीमलाइंड है माउथ इज मोस्टली टर्मिनल एंड दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स ये बात आप ध्यान रखिएगा आपने क्लास साइ साइक्लोस्टोमेटा पढ़ी थी अभी उसमें आपने पढ़ा था दे हैव सिक्स टू फिफ्टीन पेयर ऑफ गिल्स लिट्स प्रेजेंट होती है इनमें फोर पेयर ऑफ गिल्स की बात कर रहे हैं तो आप उसको मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा पढ़ लीजिएगा कि कई बार मैचिंग में दे देता है तो ऑस्टिकाइथिस हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ऑपरकुलम कॉन्ड्रिकाइथिस में ऑपरकुलम यानी गिल कवर प्रेजेंट नहीं था और इसमें प्रेजेंट है ऑन ईच साइड स्किन जो होगी इनमें कवर्ड होगी साइक्लोइड और टीनोइड स्केल से उसमें किससे कवर थी ब्लैकोइड स्केल्स से इसमें है साइक्लोइड या टीनोइड स्केल्स एयर ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से ये बायोन्ेगुलेट कर लेंगे इनको लगातार स्विम करना नहीं पड़ेगा हार्ट इनमें भी टू चैम्बर या वन ऑरिकल एंड और वन वेंट्रिकल दीज आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एंड फर्टिलाइजेशन इन में एक्सटर्नल होगा ये ध्यान रखिएगा दे आर मोस्टली ओवीपेरस जो ऑस्टिक आइथिस हैं वो मोस्टली ओवीपैरस होते हैं और जो कॉन्ड्रिक आइथिस हैं वो मोस्टली या कह लीजिए ऑल आर वीवी पैरस डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होगी ये बात ध्यान रखिएगा इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगी अब इवोल्यूशन और आगे हो गया है ना तो डेवलपमेंट अब डायरेक्ट होनी शुरू होगी आप इस तरह से याद रखिएगा एग्जाम्पल्स इसके जो मेराइन फॉर्म्स हैं मैराइन फॉर्म्स हैं एग्जोक्यूट फ्लाइंग फ़िश हिपो सी हॉर्स आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं हिपो का डायग्राम दिया गया है इट इज़ लाइक लुकिंग लाइक अ हॉर्स तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं बराबर में आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कैटला फिश का बी पार्ट में जो कि फ्रेश वाटर फिश है बाकी लेबिया जो कि रोहू होती है या कैटला क्लेरियस मगर दीज आर फ्रेश वाटर फिशेस एंड एक्वेरियम फिशेस अलग होती हैं वो होती है बेटा जैसे कि फाइटिंग फिश टेरोफाइलम एंजल फिश तो दीज आर एक्वेरियम फिशेस ये थी हमारी क्लास स्पाइसिस जो थी सुपर क्लास स्पाइसिस उसकी दोनों क्लासेज कॉन्ड्रिकाइथिस एंड ऑस्टिकायथिस नेक्स्ट क्लास है हमारी एम्फीबिया एम्फीबिया आप लोग बचपन से ही जानते हैं कि दे कैन लिव इन बोथ एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड मोस्ट ऑफ़ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक टेल प्रेजेंट हो सकती है कुछ में बाकी इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है एंड विदाउट स्केल्स और आइज हैव आईलिट्स मूवेबल आईलेट्स अगर क्लियरली कहें तो एंड टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स दी ईयर इन दीज जो इनका एक खास बात है एलिमेंट्री कनाल यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हैं दे ओपन इन टू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका विच ओपन टू तो द एक्सटीरियर ये कॉमन ओपनिंग है इनकी तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा बाकी रेस्पिरेशन इनका गिल्स से और लंग्स से और स्किन से भी होता है इनकी मॉइस्ट स्किन होती है ना ये अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं हार्ट इनमें थ्री चैम्बर प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा फिर बाकी इससे पहले टू चैम्बर चल रहा था दो ऑरिकल होंगे इनमें और एक वेंट्रिकल होगा ये भी कोल्ड ब्लडेड ही हैं बाकी दे आर ओवी पेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी लार्वल स्टेज इसमें होती है इंक्लूडेड बाकी इसके एग्जाम्पल्स बफो टोड रैना फ्रॉक का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जानते हैं हाईलाट री फ्रोक अलग है सेलमेंड्रा सेमेंडर एंड इच थीफिस एम्फीबिया सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबिया मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्लास रेप्टीलिया देर मोड ऑफ लोकोमोशन यू ऑल नो दर इज क्रीपिंग और क्रॉलिंग एंड मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं देर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्नीफाइड स्किन एंड एपिडर्मल स्केल्स टाइप प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पर एंड दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स इसका मतलब ये नहीं है कि दे डोंट हैव ईयर दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स एंड जस्ट इम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर लिम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो दो पेयर प्रेजेंट होंगे बाकी हार्ट थ्री चैम्बर् होगा इनमें लेकिन एक्सेप्शन 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 फोर चम्बर्ड हार्ट होगा क्रोकोडाइल्स में रेप्टीलिया में ही सबके पास थ्री चैंबड़ है लेकिन क्रोकोडाइल के पास फोर चम्बर्ड है रेप्टील्स भी पोइकुलोथम्स होते हैं जो स्नेक्स एंड लिजर्ट्स होते हैं इनकी खास बात है दे शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट एंड फर्टिलाइजेशन में इनमें भी इंटरनल ही होगा देआर ओवी पेरस एंड डेवलपमेंट इनमें अब डायरेक्ट शुरू हो चुकी है इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी बाकी एम्फीबिया में इनडायरेक्ट होगी बात ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल्स की बात करें तो टर्टल है शिलोन टेस्टिटोरटॉयज चैमिलियन ट्री लिजर्ट कैलोटिस गार्डन लिजर्ट क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल एलिगेटर हैमीडिक्टलस वॉल डिजर्ट जो होती है हेमीडिक्टलस उसका कॉमन उसका नेम है पॉइजनस स्टेक्स स्नैक्स होते हैं नैजा कोबरा बैंगर स्क्रेट एंड वाइप वाइपर आप ये फिगर में भी देख सकते हैं ये आपका चैमिलियन क्रोकोडाइल टर्टल और ये नाजा ये टर्टल का फिगर है टोर्टोइ का नहीं है शलॉन आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में नीचे टर्टल का नाम है ठीक है तो नेक्स्ट हमारी क्लास है एव्स एव्स जो हैं आप सब जानते हैं दे आर प्रेजेंस ऑफ फेदर्स उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई ऑल ऑफ़ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच जो होती है उसके अलावा सब फ्लाई कर सकते हैं फैदर सबके पास होंगे लेकिन बाकी इनके पास बीक होती है फॉर्डलिम्स जो है दे आर मोडिफाइड इन टू विंग्स एंड हंडलिम्स हैव स्केल्स एंड दे आर मोडिफाइड फॉर वॉकिंग स्विमिंग और क्लासपिंग द ट्री ब्रांचेज जो इनकी स्किन होगी वो ड्राई होगी विदाआउट ग्लैंड एक्सेप्ट वन ग्लैंड दैट इज ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल एंडोस्केलेटन जो इनका होगा दैट इज़ फुल्ली ऑसिफाइड एंड द लॉन्ग बोन्स जो इनकी होंगी दे आर होलो विद एयर कैविटीज न्यूमेटिक जिसको हम नाम देते हैं जिसकी वजह से इन्हें उड़ने में मदद मिलती है क्योंकि इनकी होलो बोन्स होती हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक जो इन बर्ड्स का होता है इसमें एडिशनल चैम्बर्स होते हैं जैसे कि क्रॉप और गिजर्ड बाकी फोर चम्बर्ड हार्ट होगा इनमें भी दे आर वॉर्म ब्लडेड वार्म ब्लडेड एव्स होंगे और मेमेलिया होंगे बाकी और कोई वॉम ब्लडेड नहीं है होमियोथर्मस इसको कॉमन नाम दिया गया दैट इज दर एबल टू मेन्टेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर रेस्पिरेशन लंग्स से होगा इनमें और जो एयर सेक्स होते हैं दैट कनेक्टेड टू लंग्स वो भी सप्लीमेंट करते हैं रेस्परेशन को बाकी फ़र्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल ही होगा ओवीपेरस होगा डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा ये आप सब लोग ध्यान रखिएगा ध्यान से और एग्जाम्पल्स इनके हो गए कॉरवस कोलम्बा पिजन सिटैक्यूला पैरट्स ट्रूथी ऑस्ट्रिच पैवो पिकॉक और एप्टीनो डाइट्स ध्यान रखिएगा पेंग्विन इज़ अ बर्ड एंड डॉल्फिन इज अ मैमल एप्टीनो डाइट्स आएगी हमारी एव्स क्लास में एंड जो डॉल्फिन आएगी हमारी वो आगे मेमोलिया में भी हम पढ़ेंगे एंड नियोफ्रोन वल्चर जो कि आप देख सकते हैं फिगर में ए पार्ट में नियोफ्रोन है फिर ये स्ट्रूथ यू ऑस्ट्रिच जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है फिर से टैक्यूला पैरट एंड देन पै पीकॉक सो मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्लास ऑफ दिस टॉपिक दैट इज़ क्लास मेमेलिया सो वैराइटी ऑफ हैबिटेट्स में मिल जाएंगे हमें पोलर आइस कैप्स डेजर्ट्स माउंटेन फॉरेस्ट ग्रास लैंड डॉक हर जगह मिल जाएंगे ये आपको वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में मिलते हैं मेमेलिया मिल क्लास के लोग तो जो सम ऑफ देम हैव टू फ्लाई और लिव इन वाटर जो मोस्ट यूनिक मेमिलियन करैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड मेमरी ग्लैंड जो कि आप सब लोग जानते ही होंगे बाई विच द यंग वंस आर नरिश्ड एंड टू पेयर्स ऑफ लिप प्रेजेंट होते हैं इनमें फॉर वॉकिंग रनिंग क्लाइंबिंग बरोइंग स्विमिंग फ्लाइंग किसी भी चीज़ के लिए यूज़ होते हैं वो हर एक में अलग अलग फ़ीचर्स हैं खास बात इनकी एक और स्किन ऑफ द मैमल्स इज़ यूनिक इन प्रोजेसिंग हेयर्स इनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं स्किन पर एंड एक्सटर्नल ये ईयर होता है या पिना प्रेजेंट होता है इनमें और डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होंगे इनके जॉ में यानी कि हेट्रोडोंट डेंटिशन होगा इनका अलग अलग टाइप के टीथ हार्ट फोर चैम्बर होम्योथर्मस रेस्परेशन लंग्स से होगा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और वी वी पैरस होते हैं ये बात ध्यान रखिएगा दे आर वी वी पैरस विद फ्यू एक्सेप्शन और वो एक्सेप्शन कौन सा है जो कि आप इसमें नीचे देख सकते हैं ओवी वी पैरस है और निथोरिंचस यानी कि प्लेटिपस बाकी वीवी वी पैरस होंगे सारे मैक्रोपस कंगारू टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स कैमल मंकी रैट डॉग कैट एलिफेंट हॉर्स कॉमन डॉल्फिन ये डालफिनस आप देख सकते हैं इट इज़ अ मैमल एंड बेलोनपटरा ब्लू वेल इट इज़ ऑल्सो अ मैमल इट इज़ नॉट अ फिश एंड इट इज़ नॉट अ बर्ड डॉल्फिन इज़ नॉट अ बर्ड एंड ब्लू वेल इज़ नॉट अ फिश और यू कैन से इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्लास स्पाइसिस एंड टाइगर देन एंड देन लॉय तो ये थे आपके सारे एग्जाम्पल्स बाकी आप डायग्राम में देख सकते हैं मेनली इसमें जो ध्यान रखने वाला है वो ऑर्निथर इंचस यानी कि प्लेटिपस का जो ए पार्ट में शो किया हुआ है उसका डायग्राम है क्योंकि वो ओ पैरास है तो उसका डायग्राम देखकर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए ये कौन सी क्लास में इंक्लूड है इसका नाम पूछ सकते हैं क्योंकि कुछ खास बात होनी चाहिए तभी कोई पूछ होती है किसी की भी आपकी भी पूछ तभी होगी जब आप नीट क्लियर करके डॉक्टर बन जाएंगे तब तक उससे पहले कोई पूछ नहीं होती है और उस पूछ को कमाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी क्योंकि पूछ तभी होती है जब कुछ अलग होता है हम में जब हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सारे ना करें हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया इन इन एनिमल्स ने फिर भी ये अलग हैं इनसे इसलिए इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये अलग चीज़ें हैं कॉमन चीज़ें तो हर कोई जानता होता है तो आपको ध्यान रखनी है अलग चीज़ें क्योंकि वो आपसे वहाँ पर ये तो पूछने वाले नहीं है एग्ज़ाम्पल्स आपसे दे सारे एग्ज़ाम्पल्स वो आपको रटवाना नहीं चाहते वो आपसे बेसिकली सब कुछ कॉमन बातें जो हैं वो तो सबको पता होती हैं आपको जो अलग बातें हैं आपको वो ध्यान रखनी है अच्छे से और ये था आपका चैप्टर पूरा बाकी आपको मैं इसमें अब शो कर देता हूँ नोट्स इसके जो कि मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए आप लोग चाहें तो ये नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं इनको कॉपी कर सकते हैं लेकिन आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि शॉर्ट नोट्स वो नहीं होते जो आप कॉपी करते हैं शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जो आप खुद बनाते हैं देखिए आपको इस पूरे चार्ट में ये पहले वाली फिगर पहले वाला पेज देखिए पहले आप अभी ये कम्प्लीट नहीं है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हैमी कॉर तक सारे शो किए हुए हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए इसमें आपको कॉर का अलग चार्ट दिया गया है और पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि आपको उन नाइन फाइलम्स का अलग चार्ट दिया गया आपको अगर ये चाहते हैं अगर आप ये तो आपको टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे देता हूँ वहाँ पर आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको जाकर वहाँ से यहाँ पर अगर आपको क्लियर नहीं अगर आप लेना चाहिए यहाँ से स्क्रीन ले लीजिए बाकी आप मैं प्रेफर करूँगा अपने नोट्स बनाइए हाँ आप इन नोट्स की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए अच्छे से क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है एग्जाम टाइम पर आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू सो इसके शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर ज़रूर बनाइएगा सारे बनाइएगा इसके शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट में ही बनाइएगा वो बातें मत लिखिएगा जो आप याद कर सकते हैं वो बातें लिखिएगा ज़्यादा जो आप भूल सकते हैं या जो कॉमन बातें जो पूछी जा सकती हैं ऐसे बनाने हैं आपको शॉर्ट नोट्स तो कीप स्टडिंग कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन सी आर टी एग्जाम्पलर की वीडियो इसके बाद डल जाएगी एनिमल किंगडम के क्वेश्चन की वो आप ईजिली इतनी ईजीली अटैम्प्ट कर जाएंगे कि उसकी कोई हद नहीं है उसके बाद आप क्वेश्चंस भी लगाइएगा इस चैप्टर के देखिए आपको एन से मिलेंगे क्वेश्चन और नीट में भी एन से ही आएंगे इस चैप्टर से बिल्कुल बाहर मत कूद दिएगा क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है इसमें अगर आप और बाहर जाएंगे इसमें एन में ही इतना कुछ दिया है इससे बाहर जाकर कहाँ जाएंगे आप तो इसलिए इसमें सिर्फ एन ही पढ़िए कई बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो अपनी इच्छा है उनकी अगर पढ़ना चाहें फिर भी तो बाकी नीट में इससे बाहर नहीं आएगा आई कैन गारंटी फ्रॉम दिस चैप्टर बाकी चैप्टर्स का मैंने कहा था इस चैप्टर में इससे बाहर आएगा ही नहीं दिस इज़ गारंटेड सो आप पढ़ते रहिए अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते रहिए एनसीआर एग्जांपल की वीडियो आएगी उसको अटैम्प्ट करिए स्टे होम स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड एंड बाय बाय